नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी .com में। मैं हूं प्रज्वल और वक्त हो चुका है इस वक्त की 20 बड़ी खबरों का। जैकलीन को मिली बड़ी राहत, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली अंतरिम जमानत। अध्यक्ष चुनाव के बाद अशोक गहलोत सीएम पद से देंगे इस्तीफा, आलाकमान के सामने रखी शर्तें। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले लालू यादव, कहा बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। 90 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जन्मदिन पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार, बोले संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जेडीयू, अकाली और शिवसेना ने छोड़ा एनडीए। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े शख्स को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, कई संदिग्ध चीजें बरामद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा ये विरोध का हिस्सा, नारे लगाने वाले पाकिस्तानी नहीं। भारी विरोध के बाद हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार, उत्तराखंड के सीएम धामी बोले हमने न्याय दिलाने का लिया संकल्प। मोहाली अश्लील वीडियो कांड में आरोपी जवान का मोबाइल भेजा गया फोरेंसिक लैब, अधिकारी पूछताछ में जुटे, कोर्ट में आज पेश। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 10 घायल। अफगानिस्तान से दिल्ली लाए गए 55 सिख, बोले काबुल में हालात ठीक नहीं, जेल में काटे गए बाल। डोहाना के थाली रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा, लाखों का सामान जलकर राख। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रों की धूम, वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,129 नए मामले दर्ज, 20 लोगों की मौत। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, एक डॉलर की कीमत बढ़कर हुई 81.54 रुपए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 761 अंक टूटकर 57,338 पर पहुंचा, 17,100 के नीचे आया निफ्टी। भारत ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, इस साल 14 इंटरनेशनल सीरीज में 11वीं की अपने नाम। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, हिंदू श्रद्धालुओं को मंदिर ले जा रही नाव के पलटने से 24 लोगों की मौत। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दिया इस्तीफा, अब इशाक डार संभालेंगे जिम्मेदारी। ईरान में 20 साल की हदीस नफाजी को पुलिस ने मारी गोली, हिजाब के विरोध का बन गई थी प्रतीक। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।